Oh, not much fun being all bagged up, is it? तो ये कहानी शुरू होती है मिया नाम के एक लड़की से जो किसी से बचकर जंगल में भाग रही थी और काफी देर तक भागने के बाद भी उसे सड़क नहीं मिल रही थी। तभी मिया के सामने एक बड़ा सा आदमी आता है जिसका नाम ब्रायन था और वो मिया के सर को अपने हाथों से क्रश करके उसे जान से मार डालता है। और जिस तरीके से उसने मिया के सर को क्रश किया था उससे हम जान पाते हैं कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर इसके बाद में ब्रायन मिया की बॉडी को जंगल में बने एक घर में लेकर जाता है जहाँ पर वो अपने भाई क्लाइड के साथ में रहता था। क्लाइड उस समय मिया को टॉर्चर की गई कुछ वीडियो को देखकर मास्टरबेट कर रहा था और ब्रायन के आने के बाद में क्लाइड उसे मिया के मीट को काटकर लाने को कहता है। क्लाइड की बात मानकर ब्रायन मिया की बॉडी के टुकड़े करने लगता है। फिर दोनों मिलकर मिया के बॉडी पार्ट्स को पकाकर खा लेते हैं जिसका साफ मतलब था कि दोनों कैनिबल हैं जिन्हें इंसानों का मांस पसंद है। फिर अब हम चार लोगों को देखते हैं जिनके नाम थे जॉश, जॉश की बहन सारा और सारा का बॉयफ्रेंड कोल, कोल का एक फ्रेंड भी था जिसका नाम था मैक्स। और ये चारों एश नाम की एक लड़की को किडनैप करके कहीं पर ले जा रहे थे। वे लोग जहाँ पर जा रहे थे वहाँ का एड्रेस सिर्फ कोल को पता था। एश का पिता बहुत ही अमीर था तो इसलिए उनका प्लान था कि एश के बदले वे लोग उसके पिता से 10 मिलियन डॉलर की मांग करेंगे। मैक्स और कोल को जोश पसंद नहीं था, उन्हें ऐसा लगता था कि जोश एक बच्चा है और वही उनके प्लान को खराब कर सकता है। और सिर्फ सारा की वजह से ही उन दोनों ने जोश को उनके प्लान में इन्वॉल्व किया था। अब रास्ते में वे सभी एक गैस स्टेशन में रुकते हैं और जोश उस गैस स्टेशन पर बाथरूम जाने के लिए अंदर जाता है। जोश गैस स्टेशन के बैक डोर से भागने की सोचता है लेकिन वो अपने सिस्टर को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था तो इसलिए वो वहां से नहीं भागता है। गैस स्टेशन में भी कई लोग ऐसे थे जो कि एश के किडनैप होने की बातें कर रहे थे। वहीं पर मार्क नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सारा और जोश से बातें करता है। इस बात को लेकर कोल और मैक्स को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि अगर गलती से उनके ऊपर पुलिस को शक हुआ तो बुरी तरीके से फंस जाएंगे। फिर रास्ते में सभी के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होता है और इसी चक्कर में उनकी कार सड़क के बीच में खड़ा हुए एक डेढ़ से टकरा जाती है। सारा, जॉश और मैक्स को इस एक्सीडेंट से कुछ भी नहीं होता है लेकिन इस एक्सीडेंट में वो डियर कार के फ्रंट ग्लास को तोड़कर कार के अंदर आ गया था और डियर का एक सिंग कोल के पेट में घुस गया था। इस वजह से कोल को बहुत ही दर्द हो रहा था, साथ ही उसका बहुत ही ब्लड लॉस हो रहा था। अचानक से वो डियर जाग जाता है और दर्द के मारे छटपटाने लगता है जिससे कि कोल को और भी ज्यादा दर्द हो रहा था तो इसीलिए वो उस डियर को गोली मारकर उसे पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। अब तीनों मिलकर बहुत कोशिश करते हैं कोल की बॉडी से उस डियर के सिंग को निकालने के लिए लेकिन सिंग उसकी बॉडी से नहीं निकलता है। ऊपर से कोल को और भी ज्यादा तकलीफें हो रही थी। सभी लोग समझ चुके थे कि अब कोल जिंदा नहीं बचेगा तो इसलिए मैक्स कोल से वो एड्रेस पूछता है जहाँ पर वे लोग जाने वाले थे लेकिन कोल मैक्स को वो एड्रेस नहीं बताता है तो इसीलिए मैक्स कोल को गोली मारकर उसकी जान ले लेता है क्योंकि वैसे भी वो उन सभी लोगों को एड्रेस नहीं बताने वाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि कोल को भी पता था कि अगर उन्हें एड्रेस पता चल गया तो वे लोग उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़कर चले जाएंगे। अब उन सभी लोगों के पास में कोई क्लू नहीं था कि वे सभी लोग कहां पर जाएं और क्या करें और ऊपर से उनके पास अब कार भी नहीं थी। सारा को कोल के पॉकेट से एक फोन नंबर मिलता है लेकिन उन लोगों के पास में फोन नहीं था तो वे लोग किसी को फोन नहीं कर पाते हैं। तभी वहां पर एलेक्स नाम का एक आदमी अपनी कार लेकर आता है। सारा एलेक्स को झूठ कहती है कि उनकी कार का डियर से टकराने से एक्सीडेंट हो गया है जिसमें कुल मारा गया। उस एक्सीडेंट को देखकर एलेक्स पुलिस को बुलाने वाला था लेकिन अगर पुलिस वहां पर आती तो पुलिस को पता चल जाता कि वे सभी किडनैपर हैं तो इसलिए मैक्स एलेक्स के ऊपर गोली चला देता है। एलेक्स को बचाने के लिए जोश उसे धक्का देता है लेकिन गोली एलेक्स को लग जाती है। एलेक्स किसी तरीके से खुद को संभालता है और अपनी कार को लेकर वहां से भाग जाता है। अब एलेक्स को बचाने के लिए जोश और मैक्स के बीच में आर्ग्यूमेंट होती है। जोश के मुताबिक वो नहीं चाहता था कि किडनैपर से वे लोग मर्डर बन जाएं। कोल की तो ऑलरेडी मौत हो चुकी थी तो अब वो नहीं चाहता था कि वहां पर और कोई मौत हो। मैक्स के मुताबिक एलेक्स अगर यहाँ पर जिंदा वापस आ गया तो पुलिस को उन सभी के बारे में बता देगा तो इसलिए उन्हें जंगल के बीच में से आगे निकलना चाहिए नहीं तो वे सभी लोग पकड़े जाएंगे। सारा और जोश जंगल के बीच से नहीं जाना चाहते थे लेकिन मैक्स के पास में अब एक गन थी और वे दोनों अब मैक्स के गुलाम बन चुके थे। मैक्स भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं था और एक छोटी सी गलती पर वो उन्हें जान से मार सकता था तो इसीलिए वे दोनों मैक्स से कहे मुताबिक कार के डिक्की से ऐश को निकालकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन सभी लोगों के मूवमेंट्स को क्लाइड बड़ी दूर से देख रहा है। वो वहां से फौरन अपने घर पर आ जाता है और अपने भाई ब्रायन को उनके नए शिकार के लिए रेडी होने को कहता है लेकिन तब तक ब्रायन अपने डॉल के साथ में खेलने में बिजी था तो इसीलिए वो कहीं पर जाना नहीं चाहता था। तब क्लाइड ब्रायन से प्रॉमिस करता है कि वो उसी डॉल की तरह उसे एक लड़की दे देगा। तब जाकर ब्रायन
उनके शिकार के लिए रेडी होता है और कुछ हैंडकफ्स उठा लेता है। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि गोली लगने की वजह से जख्मी हो गया था और इसीलिए वो ज्यादा दूर तक कार भी नहीं चला पा रहा था, जिससे कि उसके रास्ते में मौत हो जाती है। और तभी वहां पर विल्बर नाम का एक और आदमी आता है। विल्बर एलेक्स की डेड बॉडी को देखकर वो पहले उसके वॉलेट से पैसे निकालकर खुद रख लेता है, फिर उसी गैस स्टेशन में जाकर पुलिस को एलेक्स की मौत के बारे में बताता है। दूसरी तरफ सारा, जोश और मैक्स एज को लेकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे और उनमें से सिर्फ जोश ही ऐसा था जो कि एज की केयर कर रहा था। उन लोगों ने एज के सर पर एक बोरी डालकर रखी हुई थी ताकि वो किडनैपर के फेस को नहीं देख पाए और इसलिए चलते चलते एज कई बार रास्ते में गिर भी रहा था और तब जोश उसे संभालता है। ऊपर से एश के पैर में कांटे भी छुप गए थे और तब जोश उसके पैरों से कांटे निकालकर उसे अपने सॉक्स पहना देता है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ब्रायन दूर से उनके ऊपर नजर रखे हुए था और चुपके से उनका पीछा भी कर रहा था। फिर इसके बाद में सारा मैक्स को आगे का प्लान पूछती है। मैक्स का ये प्लान था कि वे लोग जंगल का रास्ता सड़क तक जाएंगे और वहां पर किसी कार को रोककर ड्राइवर को मारने के बाद में उसकी कार को लेकर वे लोग किसी गैस स्टेशन पर जाएंगे और उस गैस स्टेशन से वहां पर से एश के फादर को कॉल करके एश के बदले उनके पैसे मांगेंगे। मैक्स सारा को धमकी देता है कि अगर उसके भाई जोश ने अब कोई भी गलती की तो वो उसे भी मार डालेगा। सारा भी जोश की तरफ से प्रॉमिस करती है कि जोश कोई भी गलती नहीं करेगा। अब इन सभी के बीच में डिस्कशन हो गया था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में मैक्स सारा और जोश को मारने के लिए अपने घर निकाल लेता है। वो सारा और जोश को मारकर अकेले उसके फादर से पैसे निकलवाना चाहता था, लेकिन वो सारा और जोश को मारता उससे पहले ही क्लाइड उसे गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। क्लाइड को देखकर सारा उससे झूठ बोलने लगती है कि मैक्स उन्हें गन पॉइंट पर किडनैप करके वहां पर लाया है, लेकिन क्लाइड को ये बात पहले से पता थी कि वे लोग कौन है और क्या काम करते हैं, तो इसलिए वो सारा की बातों में नहीं आता है। अब तक यहाँ पर मैक्स उनको गन पॉइंट पर रखे हुए था, लेकिन अब क्लाइड उन्हें गन पॉइंट पर रखकर उसके मुताबिक उनसे काम करने को कहता है। मजबूरी में सारा और जोश को क्लाइड की बात मानकर एश को वहीं जंगल में छुपाना पड़ता है और फिर दोनों क्लाइड के डायरेक्शन को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं। इधर एश के सर पर भी बोरी बंधी हुई थी तो इसलिए वो कुछ नहीं देख पाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वो आखिर कहां पर जाए। तभी उसके सामने ब्रायन आता है जो कि एश के सर पर घूसा मारकर उसे बेहोश करके अपने साथ में घर ले जाता है। फिर घर लाने के बाद में ब्रायन एश को थोड़ा अजीब तरीके से टच करता है और रूम से बाहर चला जाता है, जिससे कि हम जान पाते हैं कि ब्रायन लड़कियों से ऑब्सेस्ड था। ब्रायन के जाने के बाद में एश को होश आता है और घबराहट में वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका सर बोरी से ढके होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता है और फ्रिज से टकरा कर बेहोश हो जाती है, जिसकी आवाज सुनकर ब्रायन वहां तक आ जाता है और समझ गया था कि एश भागने की कोशिश कर रही है, तो वो इसीलिए एश को एक चेयर से बांध देता है। दूसरी तरफ क्लाइड दोनों को एक पेड़ के पास में लेकर जाता है जहां पर दो हैंडकफ्स लटके हुए थे। क्लाइड के कहने पर दोनों उस हैंडकफ से खुद के हाथों को लॉक कर लेते हैं। फिर उसके बाद में क्लाइड उन्हें उनकी एक्सीडेंट हुई कार के पास में लाता है और जोश को चाकू देता है जिससे कि वो डियर का सर काट सके। पहले तो जोश डियर के सर को नहीं काट पा रहा था, लेकिन जब क्लाइड उसे मारने की धमकी देता है तब जोश कुछ ही टाइम में उस डियर के सर को पूरी तरीके से काट डालता है। फिर इसके बाद में सारा और जोश दोनों मिलकर उस डियर के सिंह को कोल के पेट से बाहर निकालते हैं। जोश तो डियर के बाकी के बॉडी पार्ट को मीट के लिए काटने वाला था, लेकिन क्लाइड को डियर के मीट की कोई जरूरत नहीं थी, जो बात सारा और जोश को काफी अजीब लगती है। लेकिन हम तो पहले से जानते हैं कि क्लाइड और ब्रायन कैनिबल थे, तो इसलिए उन्हें एनिमल के मीट की जरूरत नहीं थी। फिर इसके बाद में जोश क्लाइड के कहने पर डियर का सर उठाकर उसके डायरेक्शन को फॉलो करके उनके घर तक आता है। फिर इधर हम देखते हैं कि विल्बर पुलिस ऑफिसर मार्क को एलेक्सी कार तक लेकर आता है। एलेक्सी बॉडी को देखने के बाद में वो विल्बर को बाकी की पुलिस आने तक वहीं पर कुछ देर रुकने को कहता है, जिसके बाद में मार्क अकेले आसपास के इलाके में छानबीन करने के लिए जाता है। कुछ दूर जाने के बाद में उसे कोल की डेड बॉडी और डियर के बाकी की बॉडी दिखाई देती है और वो ये बात पुलिस कंट्रोल रूम को बताता है। शांति पुलिस कंट्रोल रूम से उसे ये पता चलता है कि एश के किडनैपर्स उसी इलाके में घूम रहे हैं और ये सुनकर मार्क जंगल की तरफ उन्हें पकड़ने के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ हम जोश और सारा को क्लाइड के घर में देखते हैं। जोश तो डियर का सिंह रखने के लिए ब्रायन के साथ में दूसरी तरफ चला जाता है और सारा क्लाइड के साथ में घर के अंदर जाती है। ब्रायन के कहे मुताबिक जोश डियर के सिंह को उनके आउटहाउस में रख देता है और जोश को वहां पर वही हथियार दिखाई देता है जिससे कि ब्रायन लोगों के टुकड़े करता है। इससे पहले कि जोश कुछ समझ पाता, ब्रायन उसके पास आकर उसे घूसा मारकर उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर क्लाइड सारा को एक ड्रिंक पीने के लिए देता है, लेकिन सारा उस ड्रिंक को नहीं पीती है क्योंकि उसे शक था कि उसके ड्रिंक में कोई पॉइजन हो सकता है। इन सबसे बचने के लिए सारा क्लाइड को एक डील ऑफर करती है कि अगर वो उन्हें यहाँ से जाने दें तो वे लोग एश की किडनैपिंग का आधा पैसा क्लाइड को दे देंगे। लेकिन क्लाइड को पैसों से कोई मतलब नहीं था, उसे तो उनका ह्यूमन मीट चाहिए था। सारा उस ड्रिंक को नहीं पी रही थी,
तो इसलिए क्लाइड उसके सर को टेबल पर मारता है जिससे कि सारो को बहुत चोट आती है। ऊपर से क्लाइड ने उनके ऊपर गन पॉइंट करके रखी हुई थी, तो डर के मारे वो उस ड्रिंक को पी लेती है। अब जब क्लाइड का ध्यान भटकता है तो सारा उस गन उठाकर उसे शूट कर देती है, लेकिन उस गन में कोई गोलियां नहीं थी, मतलब कि अब तक बिना गोलियों के क्लाइड उन्हें डराकर अपने घर तक लेकर आया था, और साथ ही गन से डराकर सारा को वो ड्रिंक भी पिलाई गई थी। लेकिन क्लाइड के पास में मैक्स गन थी, तो इसलिए सारा क्लाइड के सामने हार मान लेती है। तभी सारा धीरे धीरे बेहोश हो जाती है क्योंकि क्लाइड ने उसके ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाई हुई थी। फिर इसके बाद क्लाइड एश के पास में जाता है और उसके सर से वो बोरा हटाता है, और यहाँ पर हम पहली बार एश के फेस को देख पाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एश एक ट्रांसजेंडर लड़की है। ब्रायन को हमेशा से ही कोई लड़की चाहिए थी जो उसके साथ हमेशा रहे, तो इसलिए क्लाइड एश को गिफ्ट के तौर पर ब्रायन को देना चाहता था। क्लाइड एश से कहता है कि वो ब्रायन के साथ में अच्छा बिहेव करे, उसके दोस्त बने, क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है और उसे कोई इंसल्ट ना करे, और तब वे लोग उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एश बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, तो इसीलिए वो इस बात को मान जाती है। फिर इसके बाद में क्लाइड ब्रायन को बुलाकर एश को आउट हाउस में बांधने को कहता है। ब्रायन भी क्लाइड की बात मानकर एश को आउट हाउस में ले जाता है और वो वहां पर उसके पैरों को चेन से बांध देता है। फिर अब ब्रायन सारा के कपड़े उतारकर उसे चेन से बांधकर बाहर एक पेड़ से लटका देता है, और क्लाइड कैमरा लेकर आता है सारा के टॉर्चर को रिकॉर्ड करने के लिए। साथ ही वो जोश को घर के अंदर ले जाकर उसे एक चेयर से बांध देता है। ब्रायन ने सारा की बॉडी पार्ट के ऊपर मार्किंग करके उसकी बॉडी के पार्ट के नाम भी रख दिए थे, मतलब कि वे दोनों उन बॉडी पार्ट के टुकड़े करने वाले थे। फिर उसी समय सारा को होश आता है, लेकिन उसके सर पर बोरी बंधी हुई थी, तो इसीलिए उसे कुछ दिखाई नहीं देता है कि वो कहां पर है और दोनों भाई उसके साथ में क्या करने वाले हैं। सारा उन दोनों को ही गालियां दे रही थी, और तब क्लाइड सारा के पेट में चाकू घुसाकर उसे टॉर्चर करने लगता है, जिससे कि सारा दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, और उसके चिल्लाने की आवाज से एज भी काफी डर जाती है और जल्दी जल्दी अपने हाथों की रस्सियों को डियर के सिंग से काटने लगती है, और कुछ ही देर में उसके हाथों की रस्सियां खुल जाती है। फिर अब एश एक आयरन रोड से अपने पैरों के चेन को तोड़ लेती है। जब दोनों भाई घर के अंदर जोश को टॉर्चर करने गए थे, तब एश उस आउट हाउस से बाहर निकल जाती है। अब इधर घर के अंदर ब्रायन और क्लाइड जोश को टॉर्चर करने लगते हैं, और क्लाइड उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था। जोश अपनी बहन सारा को आवाज लगा रहा था, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं दे रही थी। फिर इसके बाद में क्लाइड एक चाकू से जोश के प्राइवेट पार्ट को काटने लगता है, और वो एक बर्नर से उसके जख्मों को जला देता है ताकि जोश का ब्लड ना निकले। जोश जब दर्द के मारे चिल्ला रहा था, तो ऐश उसकी आवाज सुन लेती है, और बाहर उसे सारा भी खून से लथपथ लटकी हुई दिखाई देती है, तो इसीलिए वो वहां से भागती नहीं है। वो अब जोश को बचाने का सोचती है, क्योंकि उन सभी किडनैपर्स में से जोश ही सिर्फ ऐसा था जो कि उसकी केयर करता था। अब ऐश घर के अंदर जाती है, जहां पर उसे एक गन और कुछ गोलियां मिलती है। ऐश कुछ बुलेट को गन के अंदर डालती है और कुछ गोलियों को अपने पॉकेट में रख लेती है। फिर वो उसी रूम में जाती है जहाँ पर जोश को टॉर्चर किया जा रहा था, और वहां पर जाकर वो ब्रायन को शूट कर देती है, जिससे कि ब्रायन वहीं पर बेहोश हो जाता है। ब्रायन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी था कि वो एक गोली से नहीं मरता है। फिर इसके बाद में एश क्लाइड को गन पॉइंट पर लेकर जोश के दोनों हाथों को खुलवाती है। फिर जोश क्लाइड के हाथों में हैंडकफ लगा देता है, और उसने जो उसके साथ में किया था उसके लिए जोश क्लाइड को बहुत मारता है। अब सभी सारा की बॉडी के पास में आते हैं। जोश सारा को होश में लाता है, जिसके बाद में सारा अपने कपड़े पहनती है। फिर एश उन सभी को गन पॉइंट पर लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है, ताकि वो वहां से निकलकर मेन रोड तक सेफली जा सके। लेकिन रास्ते में क्लाइड जोश को पकड़ लेता है, और वो उसकी गर्दन तोड़कर उसे जान से मार डालता है। डर के मार एश गन भी नहीं चला पाती है, तब सारा एश से गन लेकर क्लाइड को गोली मार देती है। अब इतना सब हो जाने के बाद में सारा अभी भी उन किडनैपिंग के पैसों के पीछे पड़ी हुई थी। वो अब एश को गन पॉइंट पर ले लेती है। तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर मार्क आता है, जो कि सारा को शूट करके उसे वहीं पर जान से मार डालता है। मार्क के शूट करने पर सारा की एक आंख बाहर आ गई थी, और ऐश से मार्क को पता चलता है कि ऐश वही किडनैप हुई लड़की है, और ऐश अब तक हुई सभी चीजों के बारे में मार्क को सब कुछ बता देती है। मार्क ऐश के बताए हुए क्लाइड के घर पर जाना चाहता था, पर ऐश वहां पर फिर से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मार्क के जोर देने पर ऐश को उसके साथ में जाना पड़ता है। वहां पर जाने पर ऐश को ब्रायन की डेड बॉडी नहीं दिखाई देती है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ब्रायन का खुला घूमना कितना ज्यादा खतरनाक है। अब ऐश के कहे मुताबिक मार्को को वहां पर ब्रायन की बॉडी नहीं दिखती है, जिससे कि उसको ऐश के ऊपर ही शक होता है, और वो उसे घर के अंदर ले जाकर उसे हैंडकफ से बांध देता है, जिसके बाद में मार्क खुद उस जगह की छानबीन करने लगता है जहां पर उसे ह्यूमन बॉडी के कटे हुए पार्ट दिखाई देते हैं। लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता, ब्रायन वहां पर आकर अपने हाथों से उसके सिर को क्रश कर देता है। फिर इसके बाद एक हथियार से वो मार्क के टुकड़े करने लगता है।
ये सब ऐश घर के अंदर से ही देख रही थी, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपने हाथों को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ हैंडकफ से नहीं निकल रहा था। तब ऐश जॉर्ज का कटा हुआ प्राइवेट पार्ट वहीं पर पड़ा हुआ देखती है, जिसके खून को वो अपने हाथों पर लगा लेती है और उसके कारण उसका हाथ उस हैंडकफ से निकल जाता है। अब जब ऐश वहां से भागने वाली थी तो अचानक से क्लाइड आता है जो कि काफी जख्मी था, लेकिन वो ऐश को शूट करता उससे पहले ऐश उसके सर पर एक चाकू को घुसा देती है। फिर ऐश क्लाइड की गन खुद ले लेती है और ब्रायन को वहां पर आता हुआ देखकर उसे भी शूट करके वो वहां से भाग जाती है। लेकिन दो बार गोलियां खाने के बाद भी ब्रायन को कुछ नहीं होता है और वो अभी भी ऐश का पीछा करने लगता है। लेकिन सही समय पर ऐश मेन रोड तक पहुंच जाती है जहां पर पुलिस किडनैपर्स की कार के पास में खड़ी हुई थी, और पुलिस को देखकर ब्रायन भी ऐश का पीछा छोड़ देता है। अब ऐश पुलिस के पास में जाती है जहां पर पुलिस ऐश को सही सलामत उसके घर पर ले जाती है और ब्रायन बस उसे जाता हुआ देखता रहता है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये था द बचर्स बुक मूवी का सेकंड पार्ट। ये बहुत स्लैशर और टॉर्चर मूवी है जिसे देखकर एक बार आपको भी घिन आ जाएगी। इस मूवी में हमने देखा कि कैसे कुछ किडनैपर ऐश नाम की एक लड़की को पकड़कर उसके पिता से पैसे मांगने वाले थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ में एक ट्रेजेडी हो जाएगी। वो जिस जंगल के पास में से निकल रहे थे वहां पर दो भाई ऐसे रहते थे जो कि कैनिबल्स थे। उन किडनैपर्स के बीच में आपस में भी लड़ाई हो रही थी और इसी का फायदा उठाकर ब्रायन और क्लाइड ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों भाई उनको मारकर उनका मीट खाना चाहते थे, लेकिन मूवी के आखिर में सिर्फ किडनैप हुई ऐश ही बची और बाकी सभी लोग मारे गए। ब्रायन थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी था और वो इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि गोली लगने के बाद भी उसे कुछ नहीं होता है। लेकिन मूवी के एंड में हमने देखा कि ऐश पुलिस के पास में सही सलामत आ जाती है और ब्रायन बस उसे जाता हुआ देखता रहता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और अगर आपको इस मूवी को देखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पर इस मूवी को डाल दूंगा। तो अब मैं आपसे मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग और स्लैशर मूवी के साथ में।